साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है, और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था, फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप, और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। उसमें कई उदाहरण हैं, कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया। मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था तो बांदा में एक नौजवान अपने आप उसी समाजवादी लैपटॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। मुझे वो भी समय याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैपटॉप छीन लिया गया था, और अखबारों में छपा था कि जब लैपटॉप छीन गया उससे तो पूरे घर ने खाना नहीं खाया उस दिन। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैपटॉप भिजवाने का काम किया था। अभी जब मैं मिर्जापुर गया था तो उस बेटी और उस परिवार से मैं मिला था। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार से होगा।